Hello everyone, welcome to Joy's World. Hope you are all fine. In today's video, we will talk about CVC words. CVC words क्या होते हैं? Consonant, vowel, consonant. जिसमें first जो letter होता है वो consonant होता है, second जो बीच में जो letter होता है वो vowel होता है, और जो last में letter होता है वो consonant होता है. तो इसलिए इसको consonant, vowel, consonant या CVC words कहते हैं. ये बच्चों को रीडिंग सिखाने का फर्स्ट स्टेप होता है. जब हम उनको प्रॉपर रीडिंग सिखाते हैं तो सीवीसी वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं. सीवीसी वर्ड स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि बच्चों को सारे जो अल्फाबेट हैं, सारे जो लेटर्स हैं, 26 लेटर्स, उनके साउंड्स पता होने चाहिए. तब उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है इन वर्ड्स को पढ़ना. जब हम सीवीसी वर्ड स्टार्ट करें तो मेक श्योर कि उनको सारे अल्फाबेट के साउंड पता हों और फाइव वॉवल्स के बारे में पता हो कि हमारे फाइव वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. क्योंकि जब हम सीवीसी वर्ड्स पढ़ाएंगे उनमें यही फाइव वॉवल्स होंगे और उसी बेस पे वो रीडिंग करेंगे. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि दे शुड नो दैट देर आर फाइव वॉवल्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. जो सारी बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं और फाइव हमारे वॉवल्स हैं, उसी बेस पे हम रीडिंग करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूँ कि सारे वर्कशीट्स जो सीबीसी वर्ड से रिलेटेड हैं वो शेयर करूँगी. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. मैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी आपको किस तरह से आप इजीली बच्चों को सीवीसी वर्ड्स पढ़ा सकते हैं, उन्हें लिखना सिखा सकते हैं और उनकी रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं. तो डू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड एंड डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड डू शेयर इट विद अदर्स एंड डू कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा. आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं, जब हम सीवीसी वर्ड्स पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चा जो है कॉन्सोनेंट जो है अल्फाबेट सारे पढ़ के आया हुआ होता है, जो पिक्चर रीडिंग के थ्रू किया हुआ होता है उसने. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम सीवीसी वर्ड्स पढ़ाएं बच्चों को तो उनको पिक्चर दिखा के उन वर्ड्स के बारे में बताएं. क्योंकि एक तो दो तीन इसके रीजंस हैं. पिक्चर देखने से बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट बनता है. दूसरी चीज़, वो उस वर्ड की मीनिंग को समझता है कि अच्छा इस वर्ड का मतलब ये है, जो कि वो पिक्चर देख के समझ पाता है. और तीसरी चीज़ है, क्योंकि वो अल्फाबेट्स को पिक्चर से हमेशा से हम शुरू से जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, जब एक टॉडलर होता है बच्चा तभी भी वी टीच देम थ्रू पिक्चर्स. सो पिक्चर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो जब हम रीडिंग शुरू करें तब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहला पिक्चर्स के थ्रू ही बच्चों को रीड करवाएं. उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सीख जाए तब हम विदाउट पिक्चर्स भी उन्हें रीड कराएं, ताकि ये नहीं कि बच्चा सिर्फ पिक्चर देख के पहचान रहा है उस वर्ड को, उसे रीड करना भी आना चाहिए. तो विदाउट पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है बट लेटर स्टेज. बट जो सब आप सारी एक्टिविटीज़ कराएं, फर्स्ट में रीडिंग करवाएं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड शो देम पिक्चर्स रिलेटेड टू दोज वर्ड्स. सो ये हो गए हमारे, ये कुछ टिप्स हैं जो हम आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द सीवीसी वर्ड्स. अब मैं आपको वन बाय वन वर्ड फैमिलीज बताऊंगी. वर्ड फैमिलीज वो होती हैं जो कि सारे वॉवल्स जो फाइव वॉवल्स हैं उनसे रिलेटेड हम कॉन्सोनेंट लेकर जो वर्ड के ग्रुप्स बनाते हैं उन्हें ही हम वर्ड फैमिलीज कहते हैं, और इसी के थ्रू हम रीडिंग्स बिगिन करते हैं. तो सबसे पहले हमें बच्चों को टू लेटर वर्ड्स जो हैं वो बताने, जो कि हम वर्ड फैमिलीज हैं. तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ वर्ड्स विद ए साउंड वर्ड्स. एक्ट, एट, एम, एन, एप, एग एंड एट. एट, हैट, कैट, मैट, रैट, बैट, सैट. जैम, डैम, रैम, हैम, यम. कैन, फैन, वैन, मैन, ran, tan. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे सीवीसी वर्ड्स का. मैं वीडियो के एंड में भी आपके साथ वर्कशीट शेयर करूंगी, जिससे कि बहुत सारी एक्टिविटी वर्कशीट जो बच्चों की रीडिंग में और उनको इंटरैक्टिव वे में उनके लिए हेल्पफुल होगी. देन आते हैं हमारे वर्ड्स विद ई साउंड वर्ड्स. एड, एग, एन, एट, यू. बेड, फेड, रेड, लेड, वेड. देन आते हैं हमारे वर्ड्स विथ आई साउंड वर्ड्स. इट, इड, इन, इब, इग, इप. पिट, किट,
हिट फिट लिड हिड किड रिड. अगर आपको वॉवल साउंड से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी बना हुआ है. शॉर्ट वॉवल एंड लॉन्ग वॉवल के से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको वॉवल साउंड के बारे में सारा नॉलेज हो जाएगा. देन हमारे आते हैं वर्ड्स विद ओ साउंड. ऑग ऑप ऑट ऑब ऑड ऑक्स डॉग टॉप कॉट रॉब गॉड फॉक्स. देन वर्ड्स विद यू साउंड्स अब अग अप अड अन अट कब बग कप मड बन एंड कट. सो ये हो गए हमारे 5 वॉवल साउंड वाले वर्ड्स. अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इन साउंड्स को, इन वर्ड्स को रीड कैसे कराना है. हमें लगता है ये बहुत इजी है, 3 लेटर वर्ड्स है, बच्चा इजीली पढ़ लेगा. और जब वो रीड नहीं कर पाता है तो भी सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों नहीं पढ़ रहा है बच्चा. बट उसके लिए उसने अभी तक क्या है, इंडिविजुअल साउंड्स पढ़ा हुआ है सारे लेटर्स के. अब उसको जो है ब्लेंड करना, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिला के पढ़ना, मिक्स करना साउंड्स को और वर्ड फॉर्म करना, एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है. और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और पेशेंस की ज़रूरत है. बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. अगर हम थोड़ी सी अच्छे वे में बच्चे को पढ़ाएं, सही वे में, तो इट्स इजी एंड वो कर लेगा. तो मैंने जैसे बताया कि ए ई आई ओ यू वाले वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए, वो वर्ड्स से हमको रीडिंग करानी है. तो जैसे आप एक वर्ड हम पढ़ाते हैं कैट, क एट कैट. इंडिविजुअल साउंड्स बच्चे को पता है. अब उसको इन साउंड्स को मिक्स करना है, आपस में मिला के पढ़ाना है. तो इसको तो पहले आप इंडिविजुअल साउंड्स ही पढ़ाएं कि व्हाट इज़ द साउंड ऑफ सी ख, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ए ए, एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ टी ट ख ए ट. दिस इज ख ए ट. नाउ टेल हिम टू ब्रिंग इट क्लोजर और क्विकली बोलने के लिए कहें. आपको इनको साउंड्स को साथ में मिलाना है और जल्दी से बोलना है. देन यू कैन मेक हिम राइट करके आप बता सकते हैं ख ए ट. K at, k at, cat, k at. आप इनको उसको इस वे में बता सकते हैं, दो साउंड्स को ब्रेक करके k and at, k at, k at, k at, cat, in this way. तो इस वे में बच्चा एक बार, दो बार, हो सकता है 5-10 बार भी ना रीड कर पाए, बट इवेंचुअली ही विल स्टार्ट रीडिंग. और आपको ये नहीं करना है कि वो नहीं पढ़ रहा है, हमें अब छोड़ दें या एक वर्ड पे अटक जाए. नो, जो सिमिलर, हाँ ये नहीं है कि आप एक वॉवल छोड़ के दूसरा वॉवल हर डे एक साथ सब कुछ पढ़ाएं. आप एक वॉवल ए साउंड और एक फैमिली को एक दिन पकड़ें, एक हफ्ते तक उसको वही फैमिली के वर्ड्स पढ़ाएं, जैसे एम वाले वर्ड्स हैं, जैम रैम, यही वाले वर्ड्स पढ़ाएं, ऐप वाले वर्ड्स फिर नेक्स्ट उसमें पढ़ाएं. तो क्या होगा, बच्चे को सिमिलर काइंड ऑफ साउंड्स वो सुन सुन के उसे एक तरह से पता चल जाएगा कि हाँ इस वर्ड को इस तरह से पढ़ना है. सो दिस दीज आर द कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, जिससे कि आप रीडिंग बच्चे की ईजी कर सकते हैं. और आपका अब मैं आपको एक्टिविटीज़ विद सी वी सी वर्ड, आप कैसी वर्कशीट्स यूज़ कर सकते हैं इन सी वी सी वर्ड्स को सिखाने में, वो बताऊँगी. मैच द सेम वर्ड्स, आपको सेम वर्ड्स मैच करना है. मैच द राइमिंग वर्ड, जो राइमिंग वर्ड्स हो रहे हैं, सेम राइम हो रहे हैं, उन वर्ड्स को मैच करना है. लुक एट द पिक्चर एंड नेम देम, जो पिक्चर दी हुई है वो पिक्चर देख के आपको उस वर्ड का नेम लिखना है. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द मिसिंग लेटर्स, कुछ मिसिंग लेटर्स दिए होंगे, उन लेटर्स को आपको पिक्चर देख के फिल करना है. राइट द करेक्ट वॉवल टू कम्प्लीट द वर्ड, आपको करेक्ट वॉवल लिखना है वर्ड को कम्प्लीट करने में. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स, लेटर्स उल्टे पुल्टे दिए होंगे, उनको आपको ठीक तरह से लिख के करेक्ट नेम लिखना है पिक्चर को देखकर. एंड लुक एट द पिक्चर्स इन सर्कल देयर करेक्ट नेम्स, आपको 2-3 वर्ड्स दिए होंगे और आपको पिक्चर दी होगी, आपको पिक्चर देख के करेक्ट नेम लिखना है. और वर्ड सर्च, जो वर्ड सर्च गेम होता है वो आप बच्चों को बना के दें और उनके थ्रू आपको बच्चों को वर्ड उसको सर्च करना है. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ मैं अभी आपको वर्कशीट शेयर करूँगी. इन वर्कशीट्स का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप इन वर्कशीट्स को पॉज करके आप इन वर्कशीट्स को ड्रॉ कर सकते हैं. और इन वर्कशीट्स के थ्रू बच्चों को बहुत ईजी होगा, दे विल इन्जॉय और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल उनको सी वी सी वर्ड याद करने के लिए. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विथ अदर्स एंड डू कमेंट कि आपको एक वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह के टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए. आई विल मेक श्योर कि मैं उन वीडियोज़ को बनाऊँ. एंड थैंक यू सो much for watching.